तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैटरैक्ट या सफेद मोतिया के बारे में. तो क्या होता है ये कैटरैक्ट, क्यों होता है, कब इसका इलाज करवाना चाहिए, और आजकल दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी और किस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम कैटरैक्ट को समझें, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक नॉर्मल आंख कैसे काम करती है. देखिए, ये एक नॉर्मल आंख का ढांचा है और हमारी आंख में तीन मेन चीजें होती हैं. सबसे पहले आता है कॉर्निया, या फिर इसको हम कहते हैं काली पुतली. फिर एक आता है लेंस, जो बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह साफ होता है. और फिर एक आता है पर्दा. लाइट यहां से एंटर करती है कॉर्निया और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है, और इस पर्दे से एक नर्व, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये नर्व हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है और ऐसे हम लोग देखते हैं. जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मली ये लेंस बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन मोतिया में आपका लेंस हो जाता है कुछ ऐसा, सफेद या धुंधला पड़ जाता है. अब अगर ये सफेद लेंस यहां पे आ गया तो आंख के अंदर जो रोशनी घुस रही है वो कुछ हद तक यहां पे रुक गई इस सफेदी की वजह से, और कुछ ही रोशनी पर्दे तक पहुंच पा रही है, इसीलिए आपको धुंधला दिखता है. अब दुनिया में कोई ताकत इस धुंधलेपन को वापस साफ नहीं कर सकती. कोई दवाई, कोई आयुर्वेदा, कोई योगा, कोई भी दुनिया की ताकत इस सफेदी को वापस साफ नहीं कर सकती. इसीलिए कैटरैक्ट का सिर्फ एक और एक ही इलाज है, और वो इलाज है ऑपरेशन. ऑपरेशन से इस धुंधले लेंस को निकाल दो और एक नया लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो प्लास्टिक का बना होता है, उसको आंख के अंदर उसी की जगह पर डाल दो. रास्ता साफ हो गया तो आपको दिखना शुरू हो गया. अब पहले क्या होता था कि पहले हम डॉक्टर्स कहते थे कि जब आंख में मोतिया बनता है तो इंतजार करो कि वो मोतिया पक जाए. क्यों? क्योंकि जब वो मोतिया पक जाएगा तो वो पक के सिकुड़ के एक दाना बन जाएगा. और फिर हम लोग क्या करते थे ऑपरेशन में कि इतना बड़ा आंख में चीरा मारकर इस दाने को साबुत का साबुत निकाल लेते थे, और फिर इसी में से एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसमें इस लेंस की पावर होती थी, वो डाल के इस घाव को 10 टांकों से बंद कर देते थे. नेचुरली वो तरीका एक बहुत ही क्रूड तरीका था ऑपरेशन करने का. अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और टांके वाले ऑपरेशन बिल्कुल बंद हो गए हैं. आजकल जो सबसे कॉमन टेक्निक है इस मोतिया को निकालने की, उसको हम लोग कहते हैं फेको. फेको में हम लोग क्या करते हैं कि इस आंख में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, और इस चीरे से एक मशीन, जिसको फेको मशीन कहते हैं, उसकी नीडल डालकर इस लेंस को तोड़ के पानी बना के सक करके निकाल लेते हैं, और फिर इसी छेद से एक आर्टिफिशियल लेंस, जो कि मुड़ के फोल्ड होके इतने छोटे से चीरे से अंदर चले जाता है और अपनी जगह जाके खुल जाता है.
नेचुरली क्योंकि ये ऑपरेशन इतने छोटे से चीरे से होता है तो इस चीरे में किसी टांके की जरूरत नहीं होती, दर्द बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और इसके रिजल्ट्स, विजुअल आउटकम्स और रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। तो नेचुरली ये एक बेटर टेक्निक है और आजकल वर्ल्ड ओवर इस टेक्निक को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली जब हम कैटरेक्ट के ऑपरेशन की बात करते हैं तो आजकल मोटा मोटा चार तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा, फेको, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर फेको। स्टैंडर्ड या रेगुलर फेको में क्या होता है कि ये जो चीरा लगता है आंख पे, ये चीरा जो है ये 3.2 मिलीमीटर का होता है, जिसमें से हम लोग फेको नीडल डालकर मोतिये को घोल के निकाल देते हैं और फिर एक लेंस जो कि एक हार्ड लेंस होता है जो फोल्ड होके इस 3.2 मिलीमीटर से अंदर जाके खुल जाता है। फिर इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उसको हम कहते हैं माइक्रोफेको। माइक्रोफेको में क्या होता है कि सारा प्रिंसिपल वही फॉलो होता है, लेकिन इसमें जो चीरा है अब 3.2 से कम होकर 2 मिलीमीटर का रह गया, तो सारा काम आपका अब 2 मिलीमीटर के चीरे से हो जाता है और इसका जो एक लेंस होता है वो एक स्पेशल टाइप का सॉफ्ट और हाईली फोल्डेबल लेंस होता है जो कि 2.2 मिलीमीटर के चीरे से अंदर जा सकता है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उसका नाम है फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फ्लैक्स या फिर ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी या फिर लेजर कैटरेक्ट सर्जरी भी कहा जाता है। अब इसमें नया क्या आया, देखिए अभी तक जो भी सर्जरी हो रही थी माइक्रोफेको और रेगुलर फेको, इन सर्जरीज के रिजल्ट्स एक डॉक्टर के हाथ के स्किल पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्किल बेटर है, उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे एक डॉक्टर जो अभी जूनियर है या जो जिसके स्किल्स कम डेवलप हुए हैं। अब फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में क्या हुआ कि सारा काम, जो ऑपरेशन के सारे स्टेप्स हैं, वो एक कंप्यूटर के कंट्रोल के अंदर हो सकते थे। मतलब अब जो सर्जन का स्किल है उसकी रेलेवेंस तो है, लेकिन उसकी रेलेवेंस अब 50% रह गई और 50% काम जो है वो मशीनों से हो सकता था। और इसको ब्लेडलेस सर्जरी इसलिए कहा गया क्योंकि इस सर्जरी में जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स लेजर के थ्रू होते हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का ब्लेड यूज नहीं होता। तो नेचुरली जो चीज कंप्यूटर कंट्रोल के अंदर हो रही थी उसकी परफेक्शन, उसकी एक्यूरेसी और उसकी सेफ्टी बेटर है उससे जो मैनुअली हो रही है। तो फेम्टो लेजर में जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, विजुअल रिजल्ट्स, वो मैनुअल टेक्नोलॉजी से कंपेयर्ड बेटर आते हैं। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उस टेक्नोलॉजी का नाम था जेप्टो कैटरेक्ट सर्जरी। जेप्टो कैटरेक्ट सर्जरी बेसिकली एक माइक्रोफेको और फेम्टो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी की बीच की सर्जरी है, जिसमें जो पूरी सर्जरी का सबसे मेन स्टेप होता है जिसको हम कैप्सुलोटमी कहते हैं वो कंप्यूटर गाइडेंस के अंदर हो जाता है और बाकी सारा काम सर्जन के हाथों से होता है। तो मोटा मोटा आपके चार सर्जरीज दोबारा एक बार ही बता रहा हूं, रेगुलर फेको, माइक्रोफेको, फिर आपकी आती है जेप्टो, फिर आपकी आती है फेम्टो। तो दुनिया में जो बेस्ट सर्जरी है इस टाइम पे वो है फेम्टो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी और एक मिनिमम स्टैंडर्ड आज की डेट में माइक्रोफेको को माना जाता है। और अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में आते हैं
जहां पे आपकी सर्जरी कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस हैं, जैसे व्हाइट कैटरैक्ट हो गया, ब्राउन कैटरैक्ट हो गया या ब्लैक कैटरैक्ट हो गया, या फिर आपका कैटरैक्ट जो सब लक्सेटेड कैटरैक्ट होते हैं जो अपनी जगह से हिले होते हैं, इन टाइप की सर्जरीज में जेप्टो या फेम्टो को चूज करना बेटर रहता है। तो ये आपके आई डॉक्टर्स आपको सब बताएंगे कि आपकी कंडीशन कैटरैक्ट की कहाँ पे है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सूट करेगी। लेकिन आजकल की डेट में माइक्रोफेको एक मिनिमम स्टैंडर्ड मानी जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेंसेज की। तो ये टेक्नोलॉजीज तो थी लेंस को निकालने के लिए। अब नेचुरली लेंस निकलेगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक आर्टिफिशियल लेंस आंख में डाला जाएगा। अब ये जो लेंस है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, तो इसका डिजाइन और इसकी पावर हमारे हाथ में। तो आजकल क्या है कि मोटा मोटा तीन तरह के लेंसेज होते हैं, मोनोफोकल, मल्टीफोकल एंड टॉरिक। मोनोफोकल मतलब नाम ही बता रहा है, मोनो मतलब एक और फोकल मतलब उसका एक फोकस है। मतलब जब आप कैटरेक्ट सर्जरी करवाने के बाद मोनोफोकल लेंस अपनी आंख में डलवाएंगे तो आपको दूर का साफ दिखेगा, लेकिन नजदीक का काम करने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। ये होता है मोनोफोकल, और ऑलमोस्ट 98% लोग मोनोफोकल लेंस की सर्जरी करवाते हैं। इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। फिर उसके बाद आता है मल्टी फोकल। मल्टी मतलब बहुत सारे, इसलिए मल्टी फोकस लेंसेज में अलग अलग फोकस होते हैं। अब इस मल्टी फोकल में भी दो तरह के कैटेगरीज हैं, बायफोकल मतलब कि दो फोकस, ट्राईफोकल मतलब कि तीन फोकस। बायफोकस का मतलब है कि आपको दूर का और नजदीक का बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट विजन है, जो कंप्यूटर वाली विजन है, वो थोड़ी सी ब्लर हो सकती है। ट्राईफोकल का मतलब है कि आपको दूर का, इंटरमीडिएट का और नजदीक का तीनों का साफ दिखेगा। तो यहां पे एक सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा सा बताता है हमें लेंसेज के बारे में, तो इस सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले ये दिखा रहा है कि एक नॉर्मल आदमी की नजर कैसी होती है। एक नॉर्मल आदमी के आंख में जो लेंस होता है वो लेंस एक ऑटोफोकस लेंस की तरह होता है। ऑटोफोकस लेंस का मतलब कि जो एक नॉर्मल नेचुरली कुदरती लेंस जो है वो दूर का, नजदीक का और बीच का, इंटरमीडिएट, दूर नजदीक, ये दूर आपकी सीनरी हो गई, नजदीक का ये आपका कप हो गया, और इंटरमीडिएट जो है गाड़ी का डैशबोर्ड हो गया, वो तीनों क्लियर दिखते हैं। फिर करीब 40-45 साल में हर बंदे को एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब ये होता है कि उम्र के साथ साथ जो लेंस की ऑटो फोकस करने की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर वो लेंस सिर्फ दूर का देख सकता है और नजदीक का उसे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। फिर जब इसके बाद कैटरैक्ट बनता है तो कैटरैक्ट में तो पूरी विजन ही धुंधली होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अब हम जब कैटरैक्ट का इलाज करेंगे और हम मोनोफोकल लेंस डालेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनोफोकल सिर्फ दूर का या डिस्टेंस का क्लियर दिखाता है और नजदीक के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है और बिना चश्मे के नजदीक का धुंधला दिखता है। तो यही चीज इस इमेज में ये दिखा रहा है कि दूर का साफ है मोनोफोकल के साथ, लेकिन नजदीक का धुंधला है। अब अगर इसी आंख में हम मोनोफोकल की जगह मल्टीफोकल डाल देते
तो ये मल्टीफोकल में दूर का, बीच का और नजदीक का तीनों साफ हो जाते हैं। फिर ये सवाल दोबारा उठता है कि अगर मल्टीफोकल में तीनों साफ हो जाते हैं तो फिर हर बंदा मल्टीफोकल क्यों नहीं डलवाता, क्यों सिर्फ 2% लोग मल्टीफोकल डलाते हैं और 98% लोग मोनोफोकल डलवाते हैं। इसके दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं वो मोनोफोकल के मुकाबले डबल कॉस्ट में आते हैं। तो एक रीजन तो हो गया फाइनेंशियल रीजन। दूसरा रीजन वो होता ये होता है कि अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं और आपको दिखाऊं कि रात में कैसा दिखता है, तो रात में मोनोफोकल दूर का साफ है और नजदीक का धुंधला है, ये तो हम एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन मल्टीफोकल में ये देखिए क्या होता है, जब आंख में मल्टीफोकल लेंस डलता है तो ऑफ कोर्स दूर का, मिडिल का और नियर का साफ तो हो ही जाता है, लेकिन लाइट के आसपास कुछ छल्ले दिखने शुरू हो जाते हैं। तो करीब 100 में से करीब 10% लोगों को ये छल्ले दिखने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हालांकि इन छल्लों के लिए बॉडी विद टाइम अडाप्ट कर जाती है, जैसे ये दिखाया है कि टाइम के साथ साथ जब बॉडी इन छल्लों के टुवर्ड्स अडाप्ट करती है तो ये कम हो जाते हैं टाइम के साथ, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होते। तो इन छल्लों को हम लोग कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स। तो मल्टीफोकल लेंस में हेलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है रात के टाइम 10% लोगों में जो मल्टीफोकल लेंस डलवाते हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये लेंस इतने पॉपुलर नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप मल्टीफोकल के एडवांटेजेस चाहते हैं, उनके फायदे चाहते हैं कि आपको चश्मे से बिल्कुल इंडिपेंडेंस मिले, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि रात को कभी कभार आपको छल्ले दिख सकते हैं जो टाइम के साथ शायद कम हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और उसके एडवांटेजेस लेने के लिए आपको इसको भी साथ साथ टॉलरेट करना पड़ेगा। अब जो थर्ड किस्म के लेंस होते हैं वो होते हैं टॉरिक लेंसेस। अब टॉरिक लेंसेस का मतलब होता है, टॉरिक मतलब सिलेंडर। तो अगर किसी की आंख में सिलेंडर नंबर है, यूजुअली हमारी आंख में दो तरह के नंबर होते हैं, एक स्फेरिकल और एक सिलेंडर। स्फेरिकल नंबर को तो हम जो लेंस डाल रहे हैं उस लेंस की पावर में मोनोफोकल या मल्टीफोकल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंख में सिलेंडर नंबर है और वो सिलेंडर नंबर 0.75 या 0.1 से ज्यादा है तो एडवाइजेबल है कि आप लोग टॉरिक लेंसेज डलवाइए। अब टॉरिक लेंसेज बेसिकली क्या करता है, दोबारा मैं फोटो दिखाता हूं। तो ये एक नॉर्मल आंख, जिसकी आंख में कोई सिलेंडर पावर नहीं है, वो बंदा ऐसे देखता है। अब अगर किसी की आंख में सिलेंडर पावर आ जाए तो उसको जो इमेज है वो थोड़ी खिंची हुई दिखती है और उस इमेज में कुछ ब्लरिंग आ सकती है। अब इसमें अगर मैं नॉर्मल मोनोफोकल लेंस डालूं तो स्फेरिकल कंपोनेंट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर कंपोनेंट की वजह से ये जो स्ट्रेचिंग और ब्लरिंग आ रही है ये ठीक नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर इस आप इमेज में दोबारा देखें, मैंने नॉर्मल मोनोफोकल लेंस से जब इस बंदे को टॉरिक मोनोफोकल लेंस डाला तो ये सारा कुछ कितना क्लियर हो गया। ये एडवांटेज है टॉरिक मोनोफोकल लेंसेस के। अब और आजकल तो टॉरिक लेंसेस मल्टीफोकल में भी आने लगे हैं। तो ये होते हैं डिफरेंट तरह के लेंसेस। अच्छा, अब ये जानना जरूरी है कि जब आप कैटरेक्ट सर्जरी करवाने जाते हैं तो कैटरेक्ट सर्जरी के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और कैसे कैसे सर्जरी का के स्टेप्स आगे प्रोसीड होते हैं।
तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि आपकी शुगर और आपका बीपी कंट्रोल में होना चाहिए। एक बार आपका शुगर और बीपी कंट्रोल में हो जाता है तो फिर आपका डॉक्टर आपके कैटरैक्ट कितना पक गया है, और जब ये कैटरैक्ट हम निकालेंगे उसमें जो लेंस जाएगा उस लेंस का क्या नंबर होगा वो कैलकुलेट करते हैं। अब जिस दिन आपके ऑपरेशन का दिन आता है उस दिन हल्का नाश्ता करके आपको ऑपरेशन के लिए आना होता है। कैटरैक्ट की सर्जरी में किसी तरह का इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं होता आंख को सुन करने के लिए। आंख को सुन करने के लिए सिर्फ चंद बूंदे आंख में डाली जाती है जिससे वो आंख को सुन कर देती है और आपका ऑपरेशन हो जाता है। टोटल टाइम ऑपरेशन में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं एक आंख में, और उसके बाद आपको एक पट्टी करके बाहर भेज दिया जाता है जो पट्टी आप करीब 2 घंटे में खोल देते हैं और उसके बाद दवाइयां डालनी शुरू करते हैं। ऑपरेशन से पहले आपको डॉक्टर्स यूजुअली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं जो आपको दिन में करीब 5-6 बार डालनी होती है 3 दिन के लिए, और ऑपरेशन के बाद आपको एंटीबायोटिक के साथ थोड़ी सी स्टेरॉइड की आई ड्रॉप्स दी जाती हैं जो आपकी आई की इन्फ्लेमेशन वगैरह कंट्रोल में रखती है। उसके बाद आज ऑपरेशन होने के बाद आपको अगले दिन एक बार दोबारा आना होता है एक फॉलो अप के लिए कि सब कुछ अपनी हीलिंग वगैरह सब ढंग से चल रही है, और उसके बाद आपको एक बार 15 दिन और 1 महीने